आपके बीच निवेदित करता हूँ, आप यहाँ कितने लोग बैठे हैं मुझे नहीं मालूम कि किनकी माँ जीवित है और किन्होंने माँ को खो दिया, पर मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि जिनकी माँ जीवित है, जिनके पिता जीवित हैं, वो दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वो दुनिया के सबसे धनाढ्य लोग हैं। एक मिनट की बचपन में लौटिएगा, याद कीजिएगा जब हम बहुत छोटे थे, माँ की गोद में थे, माँ का स्तनपान करते थे, तब माँ का एक स्तन मुंह में लेकर हमने उस माँ को दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से न जाने कितनी बार मारा, पर उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। मित्रों, लात खाकर भोजन देने की शक्ति उस परम पिता परमेश्वर ने दुनिया में यदि किसी को दी है वो सिर्फ माँ को दी है। मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छी लगती है कि बहुत रोते हैं लेकिन दम हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना। विधवा माँ 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी, पर ये उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो जो महीने 31 दिनों के होते थे उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे को एक दिन हरी लगने लगी, तब इस नालायक हास्य व्यंग के कवि ने कुछ पंक्तियाँ माँ के लिए लिखी, सुनिएगा, यात्रा कीजिएगा मेरे साथ।
इस राज को मत भूलना। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ 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 संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता ध्वंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। श्रवण, प्यास से गला सूख रहा है बेटा, थोड़ा जल पिलवा दे। जी पिताजी। बेटा श्रवण। जी पिताजी, के लिए कहीं से इस कमंडल में जल भरला। अरे सुनो बेटा। जी पिताजी। बेटा शीघ्र आना। बेटा देर मत करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जल लेकर आता हूं। ऐसा लगता है सरयू घाट पर कोई हिंसक पशु जल पीने आया है। यदि इसका शीघ्र बंध न किया गया तो यह नगर में प्रवेश कर प्रजा को हानि पहुंचा सकता है। माताजी, पिताजी, हे भगवान, किसने मुझे तीर मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था?
भगवान ये क्या हो गया। अरे वीर पुरुष कौन हो तुम जिसने ऊंचे से निरपराध की हत्या की। मुनि कुमार मैं निर्दोष हूं। निर्दोष निरपराध को मारकर निर्दोष बनता है ये सब भूल से हुआ। रघुवंशी तो स्वप्न में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करते। रघुवंशी हाँ दशरथ अयोध्या का युवराज। शिवराज होकर भी तुमने ऐसा पाप किया। मेरे इस पाप का क्या प्रायश्चित होगा। मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारे प्राण की रक्षा करने तैयार हूँ। व्यर्थ युवराज व्यर्थ तुमने आज एक बाण से तीन तीन हत्याएं की। मेरे माता पिता वृद्ध दुर्बल और अंधे मैं उनके लिए यहां पर जल लेने आया था। वो अभागे मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान मैं अपने माता पिता के सूखे कंठ में जल पहुंचा सकता। मुझे क्षमा कर दो। युवराज तुम शीघ्र अभी मेरे पिताजी के पास जाओ और अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर दो। शायद वो इससे में क्षमा कर दे अन्यथा अन्यथा उनकी क्रोध की अग्नि में चलकर तुम भस्म हो जाओगे। युवराज तुम उन्हें शपथ युवराज उन्हें यह जल अवश्य पिला देना। जल अवश्य पिला देना अवश्य। लगता है शिवन आ गया। शिवन बेटा आ गए तुम। तुम्हें आने में देर हो गई। पता है तुम्हारी माता तुम्हारी चिंता करने लगी। मैंने अज्ञान का वश शब्द भेदी बाण चला दिया जो आपके पुत्र को लगा और वह स्वर्ग से धार गया। क्षमा क्षमा मणिवर क्षमा। तुझे जवाब कभी नहीं कर सकते कभी नहीं। अब हमें उस स्थान पर ले चलो जहां हमारे पुत्र का मृत शरीर है। भाभी बैठ जाओ। क्या बोली क्या रोती तुम बोलती क्यों रहे। क्या रोती तुम बोलती क्यों रहे क्या रोती तुम बोलती क्यों रहे क्या रोती। जरी माटल परंतु शिवराज तूने अज्ञान से मेरे पुत्र को मारा है इसलिए तुझे अति दारू श्राप देता हूं। अति दारू श्राप देता हूं कि जिस तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं उसी तरह तड़प तड़प कर तू भी मरे। पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर तू भी मरे। तू भी मरे क्या लगे मैं हरा हूं। भगवान ये तुझे कैसा दंड दिया। हाँ।